लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। बंद जगहों पर आयोजन में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे, उससे ज्यादा लोग इकट्ठा एक साथ नहीं हो सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, इसी के साथ मास्क पहनना भी जरूरी होगा ताकि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह सख्ती से पालन कराया जाएगा। तो लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। रवि कुमार हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ पूरी जानकारी है? तो ये जिस तरीके से धारा 144 लगाई गई और कोरोना के नए नियम इस तरह कड़ाई से फॉलो किए जाएंगे, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हम कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं उससे भी बच सकते हैं। देखिए, दो बड़े इवेंट आने वाले हैं। अगर बात करें क्रिसमस डे है, उसके अलावा न्यू ईयर है, तो उसके साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से भीड़ भाड़ है वो होती है, शादियों का भी सीजन चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से कोरोना की एक बार फिर से दस्तक हुई है और जिस तरीके से चुनाव में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, उसको लेकर जहाँ तैयारियां हो रही है, वहीं अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगातार जारी है। अभी इसको बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया है, यानी कि जो धारा 144 का पालन है वो पूरी तरीके से कराया जाना अनिवार्य होगा और विधानसभा के आसपास है, भीड़ नहीं हो सकती। उसके अलावा तमाम निर्देश है वो जारी किए गए हैं। राजधानी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है, यानी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया की तरफ से ये पूरा जो आदेश है वो जारी किया गया है। और अगर बात करें तो मास्क लगाने की अनिवार्यता है वो रहेगी, तमाम सारे और जरूरी कदम है वो उठाए जाने हैं, यानी कि धारा 144 वो लगातार अभी जारी रहेगी और 5 जनवरी तक इसको बढ़ाया गया है। रवि, इसी के साथ वो लोग जो इन नियमों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, जाहिर है जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए उनका सख्ती से पालन है वो कराया जाना, और जो लोग जो भी इसका जो नियम है वो तोड़ते हैं तो जाहिर है उन पर जो नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में धारा 144 का पालन है वो पूरी तरीके से अनिवार्य है और साफ तौर पर लोगों से अपील की जा रही है कि धारा 144 राजधानी लखनऊ में लगाई गई है और उसके चलते ही जो भी दिशा निर्देश है उनका पूरी तरीके से पालन करें। धारा 144 के चलते जो भी लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई है उन पर हो सकती है। तो ऐसे में धारा 144 लगी हुई है और उसका जो लोग है वो सख्ती से जो है वो पालन करें। ठीक, रवि बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।